दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के चार ऐसे सबसे खतरनाक मछलियों के बारे में बताऊंगा जिनके पास खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। नंबर वन पे आती है इलेक्ट्रिक रे, जिसे उसके दूसरे नाम टॉर्पिडो रे के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली ज्यादातर समंदर किनारे 3000 फीट की गहराई में देखने को मिल जाती है। इस मछली की इलेक्ट्रिक पावर 40 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक होती है और शिकार के लिए ये मछली ज्यादातर समंदर की रेत में छिपी होती है। अगर कोई इंसान गलती से पानी के अंदर इस मछली पर पाव रख दे तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। ज्यादातर रे मछली अपनी इलेक्ट्रिक पावर को अपने शिकार को मारने और बाकी मछलियों से बचने के लिए यूज करती है। नंबर दो पे आती है इलेक्ट्रिक स्टार गेजर। ये मछली ज्यादातर अटलांटिक ओशन के अंदर उथले पानी में देखने को मिल जाती है। इस मछली के पास करंट के अलावा खतरनाक जहर भी होता है जो इसके पंख के अंदर लगे दो कांटों में होता है। हालांकि इस मछली के पास ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 50 वोल्ट का ही करंट होता है, मगर एक इंसान को मारने के लिए इतना करंट भी काफी है। ये ज्यादातर रेत में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करती है। जैसे ही शिकार इनके पास आता है ये मछली उसे अपने करंट से मार देती है। इसका करंट इसकी पूंछ में होता है जिससे यह शिकार को मारने के लिए और अपने रक्षा के लिए यूज करती है। नंबर तीन पे आती है इलेक्ट्रिक कैटफिश। ये कैटफिश ज्यादातर अफ्रीका और नील नदी में पाई जाती है। ये कैटफिश 350 से 450 तक का इलेक्ट्रिक वोल्ट पैदा कर सकती है। इनकी लंबाई ज्यादातर 2 से 3 फीट के आसपास होती है और इनका वजन भी 20 किलो के आसपास ही होता है। ये मछली नील नदी के प्राचीन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि इसके छटके से कैसे भी हड्डियों के दर्द को ठीक किया जा सकता था। हालांकि वो लोग बहुत ही छोटी कैटफिश का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि छोटी कैटफिश का छटका बहुत ही कम होता है और अगर इसकी जगह किसी बड़ी कैटफिश का यूज किया जाए तो उसके छटके से एक इंसान की मौत भी हो सकती है, मगर अब तक कैटफिश के हमले से एक भी इंसान की मौत नहीं हुई है। नंबर चार पे आती है इलेक्ट्रिक ईल। ये मछली बाकी बताई गई मछलियों के मुकाबले सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये मछली 650 से भी ज्यादा वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। इसका शरीर सांप जैसा होता है और इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। ये ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में और ओरिनोको की घाटियों में देखने को मिलती है। ये ईल अगर एक बार किसी शिकार से लिपट जाए तो उसे तब तक बिजली के झटके देती रहेगी जब तक सामने वाले की मौत ना हो जाए। इसके एक से दो झटके में ही किसी भी इंसान के दिल की धड़कनें भी रुक सकती है, मगर इसके हमले से मरने वाले इंसानों की संख्या बहुत ही कम है। ये अपनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मगरमच्छ या फिर एक बड़ी शार्क को भी मार सकती है, और अगर ये ईल चाहे तो करीबन एक घंटे तक बिना रुके लगातार करंट के झटके भी मार सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में।